की पॉलिसियों के खिलाफ इस्लामाबाद में बैठने का ऐलान। कहते हैं कारकुन तैयारी करें, तारीखी शो होगा। नवाज शरीफ सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। हसीब वकास और चौधरी शुगर मिल्स काश्तकारों के मफाद के पेश नजर खोलने का फैसला। हर माह अकाउंट्स तफसीलात अदालत को पेश करने की हिदायत। फैसले में कहा लिखा है कि नवाज शरीफ गॉड फादर हैं। जस्टिस आसिफ सईद कोसा का कहना है कि सिसिलियन माफिया के मुतालिक रिमार्क्स को गलत तासुर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने इतराफ किया कि अदालत ने फैसले में नवाज शरीफ को गॉड फादर बिल्कुल नहीं कहा। अपील फिर खारिज। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ चीफ जस्टिस ने इन चेंबर समाप्त की। उधर एहतसाब अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शेख रशीद ने वजीर आजम शाहिद खाकान के खिलाफ नैब से रुजू कर लिया। चेयरमैन नैब से मुलाकात, एलएनजी स्कैंडल के सबूत दिए। शेख रशीद का कहना है नैब को तमाम मामलों से पर्दा उठाना चाहिए। आम इंतखाबात से पहले निगरान वज़ीर आज़म की तलाश। वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी और ऑपोजिशन लीडर में नाम खुद फाइनल करने और मामला इलेक्शन कमीशन न भेजने पर इत्तेफाक। रिटायर्ड जज की बजाय सिविल सोसाइटी से मौजूद उम्मीदवार की तलाश। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहना चाहता हूँ कि यकीनन उन्होंने मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए मुझे उन्होंने पेशकश की थी। मेरी यही कोशिश रही कि इस्लामाबाद और पिंडी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन और पाकिस्तान की जो तरक्की का राज भी इसी में पिना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल और दूसरे इश्यूज़ हैं, उनको उनमें हम आहंगी होनी चाहिए। हमेशा कोशिश रही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अच्छा राबता रहे। शहबाज शरीफ का कहना है मुशर्रफ ने वजारत उज़्मा के लिए पेशकश की थी। उन्हें कहा कि कोई शिकायत है तो नवाज शरीफ से मीटिंग करा देता हूं। आम लोग इत्तेहाद पार्टी के रजिस्ट्रेशन का केस समाप्त मुलतवी करने पर वजीहुद्दीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तख कलामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप ऊंचा बोल रहे हैं। वजीहुद्दीन बोले आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के जिना अस्पताल आमद। रुकने कौमी असेंबली अयाज सोमरों की अयादत, चेहरियों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। सर इंतखाबात जो अगला है आप इसी प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए? नहीं, पार्टी का अपना रवैया भी तो कुछ होता है ना। पार्टी में गधे घोड़े का फर्क ही कोई नहीं, सिर्फ हर्फ खुशामद है वो। सूबाई वजीर अता मानिका नाराज हो गए, आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली के बाद हर कोई आजाद हो गया, अब किसी रुकन असेंबली की इज्जत नहीं रही। नून लीग किसी की जाति जागीर नहीं। सरगोधा के शहरियों ने ये क्या कर दिया, मरियम नवाज की तस्वीर पर हमजा का नाम लिख दिया। 24 फरवरी को नून लीग का सरगोधा में वर्कर कन्वेंशन होना है। का लेबल लगाने की अमरीकी कोशिश नाकाम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इजलास में पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल करने की करारदाद 3 माह के लिए मौखर। तावुन करने वाले मुमालिक के मशहूर है ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अस्मा कत्ल केस का चालान 10 दिन में अदालत में जमा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस केस निमटा दिया। आसमा रानी केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने मुलजिम के चचा से कहा आप पीटीआई रुकन हैं, मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो एक्शन लेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फायरिंग से 2 अफराद जा बहक। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। मकतूलीन की शनाख्त उमर और नवाज के नामों से हुई।
गुर्जर खान में तालिब इल्म बस के नीचे आकर जाम बहा, ड्राइवर फरार, तलबा ने दो बसेस को आग लगा दी। 1122 के दफ्तर में तोड़फोड़, एहतजाज के बाइस जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। कवानीन पर अमल, महफूज सफर की जमानत। 24 न्यूज की ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान में टैम्फलेट तकसीम। वज़ीर दाखला सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं मुहिम कामयाब बनाएंगे। ये जो मुहिम शुरू की है बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर रोडों पर बड़े खतरनाक हादसे हो रहे हैं। ये जो आप अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, मैं आप लोगों का मशकूर भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, 24 चैनल को होना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक सेंस हमारे यहाँ नहीं है। अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली भी 24 न्यूज की मुहिम का हिस्सा। सिंध असम्बली के अराकीन कुलसूम चांदियो, नाहिद बेगम, खैरुन्निसा मुगल, ओवैस कादिर शाह और शाहिदा रहमानी का कहना है मुहिम से शहरियों में ट्रैफिक कानून का शऊर बेदार होगा। और पेशावर जल्मी में पहला जोड़ पड़ेगा, सुल्तान्स को बॉलिंग में वाज़ह बढ़तरी। शामी फौज की मशरकी इलाके गौता में बमबारी से अमवात की तादाद 200 से बढ़ गई, सैकड़ों जख्मी, इलाके के मुहासरे से लोग गजाई किल्लत का शिकार। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां के कई इलाकों का मुहासरा, घर घर तलाशी, लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। श्रीनगर में फायरिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। के दौरान जाया होने वाले इंसानी अज़ा दोबारा उगाए जा सकेंगे, साइंटिस्ट ने इंसान और भेड़ के खुलियात पर मुश्तमिल मखलूतुल नस्ल एमवीयू का तजुर्बा कर लिया। जावेद शेख की माहिरा खान से ओछी हरकत, अदाकारा तकरीब में अवार्ड लेने आई तो जावेद शेख ने बेहुदा हरकत कर दी, माहिरा ने कोई लिफ्ट नहीं कराई।